श्री शिवाय नमस्तुदम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, मैंने ये चोली और बेस पहले से ही बना रखा है। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के चोली और बेस हैं। और अगर आपको ये चोली और बेस बनाना नहीं आता है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी, आई बटन पर मिल जाएगी। जहाँ उसे आप टच करोगे तो वैसे ही ये आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। जो ये चोली और बेस है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखिए गाइस, एक और दो ऊपर से दो राउंड छोड़ने के बाद तीसरे वाले राउंड में मैं यहाँ से साइड से इस तरीके से डालूँगी ऊपर से ही, और इसको सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो देखिए, ये मैंने लॉक कर दिया है। अब मैं चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन हो गई गाइस। अब 7 चेन को हम 6 हमारी जो चेन है उनको छोड़ेंगे। 7 चेन बना ली हमने। अब देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 6, 7 चेन थी। तो अब हम 5 चेन छोड़ेंगे यहाँ पर, 5 डबल क्रोशिया हटा देंगे। देखो, एक चेन में 2 हैं तो इन दोनों को 2 बार काउंट करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 ये हो गई और 2 ये, 6 हो गई। तो 6 चेन हम स्किप करेंगे और छठवीं जो चेन है उसी में हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर 7 बार चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन हो गई गाइस। फिर दोबारा से मैं इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करके 7 भी जो चेन है, देखो 5 चेन स्किप करूंगी और 7 भी छठवीं जो चेन है उसके अंदर मैं इसको इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से आएगा जॉइंट करके। फिर दोबारा से मैं 7 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन हो गई और 6 चेन फिर स्किप करूंगी, 1 2 3 4 5 6, छठवीं चेन ये आ जाती है। तो छठवीं चेन में ही मैं यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से आएगा। तो चलिए, तो देख सकते हो गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। और अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये ग्रीन कलर की जो चेन है ये हमने 7 चेन ली है, एक में एक राउंड में 7 चेन। तो अगर ये डबल क्रोशिया आपको, जैसे हमने ये बेस बनाया है तो कहीं 2 भी आ जाती हैं, तो हमने यहाँ पर 7 चेन लिए तो ये डबल क्रोशिया हमको एक चेन से एक कम करनी है, नहीं तो आपका ये टाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने ये 7 चेन ली हैं, तो यहाँ हमने ये 7 चेन ली हैं, तो हम डबल क्रोशिया को यहाँ पर 6 चेन लेंगे। छठवीं चेन में हम सिल्प स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 5 चेन लेते हैं तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और 5वीं में सिंगल डबल क्रोशिया। मतलब ये कि इससे एक हमें कम रखनी है ये, नहीं तो हमारा ये बेस टाइट हो जाएगा। ये चेन जो हम बना रहे हैं उससे एक डबल क्रोशिया कम करनी है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे भी ना समझ में आए तो आप एक, इस चेन हमने 7 बनाई है तो इससे 6 डबल क्रोशिया आपको स्किप करनी है, 5 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और छठवीं डबल क्रोशिया में आपको सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो इसी तरीके से ये मेरा बेस हुआ है, राउंड एक कंप्लीट। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से, ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से बन के आई है। ये कैसे आई है वो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है, क्योंकि हमें ये 2 की चेन जो हम लेते हैं उसमें फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए, अभी तो इस तरीके का बेस आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन डाली कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले एंड में 2 लास्ट रह गए हैं वो बता रही हूँ आपको। तो देखिए, ये इसमें चल रहा है अभी तक। अब हम इसमें इस तरीके से धागा डालेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। एक इसी में बनाएंगे, 2 गांठ आ गई है, ये 3 4 और ये हो गए हमारे 5, एक बार और लूंगी तो टोटल हो गई 6 बन गए गाइस। अब देखिए, इसी वाली चेन में हमें 2 चेन बनानी है, तो 1 और 2 चेन हो गई। देखिए, 6 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में कर ली और फिर ये 2 की चेन हो गई। अब देखिए, इस साइड में भी हम
एक दो तीन चार पांच, ये हो गए हमारे 6। तो जो हमने 7 की ये वाली जो चेन बनाई थी, इसी के अंदर हमने एक 6 इधर और 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर, टोटल हमने एक ही चेन में इस वाली 7 की जो चेन है इसमें टोटल हमने 12 करे हैं और बीच में दो चेन ली हैं। देखिए ये हमारी दो चेन हैं, तो 6 इधर और 6 इधर और बीच में दो चेन ले ली हैं। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट वाले में करेंगे गाइस। देखिए एक दो तीन चार पांच, एक बार और लेंगे 6। 6 हो गए गाइस। अब देखिए दो चेन लूंगी, एक और दो, दो चेन ले होगी। अब इसी वाली चेन में फिर दोबारा से हम 6 और करेंगे तो टोटल हमारे 12 हो जाएंगे और बीच में हमने दो चेन ले लिए, देख सकते हो गाइस, दो तीन चार पांच, छ, छ हो गए। देखिए अब देखिए इस तरीके से बन के आए हैं ये, 6 इधर हो गए, 6 इधर और बीच में दो की चेन ले ली हमने। टोटल एक ही चेन में 7 की जो चेन बनाई थी उसमें टोटल हमने एक चेन में 12 करे हैं और दो चेन ले ली बीच में। तो देखिए स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। तो देखिए अब हमने ये यहाँ से 3 की जो चेन बनाई थी इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। हमारी ये स्लिप स्टिच हो गई। अब इस धागे को एक चेन लेके कट कर देंगे और देखिए इसे खींच देंगे और इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ हम पीछे की साइड इसको निकाल देंगे। देखिए हमारा इस तरीके से आ गया है पूरा कंप्लीट। अब देखिए इसमें फ्लावर कैसे बनाएंगे हम वो भी दिखा देते हैं आपको। तो दूसरे कलर के फ्लावर बनाऊंगी गाइस इसमें। तो देखिए ये जो हमने दो की चेन बचाई थी ना, ये वाली जो होल दिख रहा है, ये दो की चेन में हमें फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं फ्लावर, ये दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें लॉक करेंगे, ये हमने लॉक कर लिया, तो दो की चेन थी उसी के अंदर हम लॉक कर लेंगे। तो देखिए एक दो और एक चेन हो गई, एक दो तीन, तीन चेन हो गई। अब इसी होल में जहाँ हमने दो की चेन से स्टार्टिंग करी थी वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच कर दिया, 3 की चेन बना के हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर दोबारा से हम 3 की चेन बनाएंगे, एक दो तीन, 3 की चेन बना के, और फिर एक ये लूप बन गया। अब एक और बनाएंगे इसी के अंदर, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे हम, तो ये हमारे 2 बन गए। अब एक और 3 की चेन बनाएंगे, एक दो तीन, 3 की चेन हो गई। अब इसको भी इसी 2 की चेन में हम जैसे ये करे थे वैसे ही स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारे 3 बन गए गाइस, एक दो तीन, 3 हो गए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे, टर्न करने के बाद पीछे की साइड से हम जो हमने 3 की चेन एक बनाई थी उसी के अंदर पहले हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया, अब देखिए एक दो, दो बन गई। अब जो 3 की चेन थी एक, उसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन 2 हो गए। एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन, टोटल 4 हो गए। अब एक दो, दो चेन बना ली।
अब जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया एक ही हुल में डाली थी तीन वाले में, उसी में फिर हम दोबारा से सिल्प स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। अब जो हमने नेक्स्ट तीन की चेन बनाई थी ये वाली, इसमें हम जाएंगे और लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया, फिर इसमें भी हम दो की चेन बनाएंगे, एक दो, दो की चेन हो गई। इसके अंदर भी हम इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार, एक दो की चेन, तो टोटल चार हो जाएंगे। तो देखिए दो बार मैंने डबल क्रोशिया बना दी और फिर एक बार और बनाऊंगी, तीन बार डबल क्रोशिया हो गई और एक दो की चेन, टोटल चार हो गए। अब एक और दो, दो चेन ले ली। अब इसी तीन की चेन में सिल्प स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारी दो पत्ती आ गई फूल की। अब देखिए इससे नेक्स्ट में हमने तीन बनाए थे ना, तीन तीन की चेन, तो हम नेक्स्ट वाले में अब लॉक कर दूंगी। अब इसमें भी दो चेन लूंगी, दो पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी पत्ती हम बना रहे हैं, तो देखिए इसमें भी मैं दो बार, तीन बार डबल क्रोशिया करूंगी और एक दो की चेन, तो टोटल चार हो जाएंगे। तो देखिए दो बार डबल क्रोशिया कर दी, एक बार और करूंगी डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया हो गई और दो की चेन। अब एक और दो, दो चेन बनाई और इसी के अंदर सिल्प स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी तीन पत्ती बन गई। अब देखिए एक चेन लेके इस धागे को कट कर दिया मैंने, या फिर इसमें ये जो धागा है दूसरा वाला, इसमें गांठ लगा दीजिए। इस तरीके से धागे में गांठ लगाइए और इसे कट कर दो, जो ज़्यादा कट गया है उसे कट कर दो इस तरीके से। तो देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा फ्लावर तीन पत्ती का। ऐसे ही फिर हमें इसमें भी बनाना है और फिर हमें इसके बीच में भी बनाना है और फिर हमें इसके बीच में, ऐसे ही हर उसमें दो दो की चेन में हमें बनाते हुए आना है। तो देखिए गाइस एक बार और बता देती हूँ कैसे बनाना है ये हमें, आपका जो भी डाउट हो वो दूर तो भी हो जाएगा। देखिए ये दो की चेन थी, इसके अंदर मैं इसे लॉक कर दूंगी दूसरा धागा लेके, ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का। इस तरीके से लॉक कर दिया। अब देखिए एक दो तीन, तीन की चेन हो गई गाइस और एक लॉक कर दी। तीन चेन बनानी है, एक लॉक कर दी और दो चेन बना दी हमने इसी तरीके से। अब जो दो जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसी के अंदर इसको हम सिल्प स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर का जड़ हो गई। अब देखिए फिर दोबारा से हम तीन की चेन बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन की चेन हो गई। तो अब ऐसे ही फिर दोबारा से हमें इसी वाले होल में सिल्प स्टिच करना है। तो ये हमारे दो फ्लावर की जड़ हो गई। अब इससे नेक्स्ट बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन हो गई। अब इसमें ही फिर दोबारा से सिल्प स्टिच कर देंगे, तो ये हमारे तीन फ्लावर की जड़ हो गई, जड़ हो गई। अब देखिए अब इसको टर्न कर लेंगे उल्टी साइड में। अब देखिए उल्टी साइड में हम इसे लॉक कर देते हैं इस तरीके से, ये लॉक हो गया। अब देखिए तीन, दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो की चेन हो गई। अब इसी के अंदर ये जो होल दिख रहा है आपको, इसी के अंदर मैं तीन बार डबल क्रोशिया करूंगी, एक, फिर इसी के अंदर करूंगी दो, फिर इसी के अंदर करूंगी तीन, तीन हो गई और एक दो की चेन हो गई, तो टोटल हो गए हमारे चार। और फिर दो की चेन बना ली मैंने और इसी होल में ही सिल्प स्टिच कर दूंगी, तो हमारी एक पंक्ति बन के तैयार हो जाएगी। देखिए ये हमारी एक पत्ती हो गई। अब नेक्स्ट वाली जो तीन की चेन बनाई थी उसमें मैं लॉक कर देती हूँ, फिर तीन, दो की चेन लूँगी, दो चेन, और इसी वाली होल में तीन तीन चेन के हमने तीन होल बनाए थे ना, तो उसी में से दूसरे नंबर की मैं दो बार डबल क्रोशिया हो गई। अब ये तीन बार डबल क्रोशिया हो गई। अब एक और दो, दो चेन हो गई।
अब इसी वाली पत्ती में मैं दोबारा से सिल्प स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारी दो पत्ती बन के तैयार हो गई। अब रह गया एक, उसमें भी मुझे सेम ऐसे ही करना है गाइस। इस तरीके से लॉक करनी है ये पत्ती, दो चेन बनानी है। और देखिए इसी पत्ती के अंदर मुझे तीन बार डबल क्रोशिया करना है, एक दो और तीन बार डबल क्रोशिया हो गई आप देख सकते हो। अब दो चेन बनाऊंगी गैस, एक और दो चेन। अब इसी वाले जहां हमने तीसरी पत्ती का बनाया है बेश, वहीं पर अब इसको एक चेन लेके कट कर दिया धागा। और देखिए ये हमारी तीन पत्ती बन गई आप देख सकते हो। अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग करी थी उसी में ये गांठ लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरे फ्लावर की तीन तीन पत्ती बन गई हैं। ये बाद में मैं कैची से निकाल दूंगी गाइस इसको। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे राउंड में दो दो की जो चेन है पूरे राउंड में बनाते हुए आना है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। हमारी लड्डू गोपाल की पोशाक बन के रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो। इस तरीके की डिजाइन आई है ये, जो हमने दो दो की चेन छोड़ी थी वहाँ पर सब जगह हमने फ्लावर बनाए हैं गाइस। देखिए गाइस यहाँ पर एक रह गया है गलती से, वो मैं अभी कंप्लीट कर दूंगी इसको। और बाकी की आप देख सकते हो गाइस कैसी लग रही है। अगर मेरी पोशाक लड्डू गोपाल की गाइस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर करना अगर पसंद आए तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।